देख रहे होंगे आप यहाँ पर ये महिंद्रा की हमारे पास एक जानी मानी, आप लोगों ने काफी समय से रोड पर दौड़ती हुई देखी भी होगी। ठीक, आपको TUV 300 जैसी ही लग रही होगी, लेकिन है ये महिंद्रा की बलेरो नियो। तो कुछ नहीं, बस महिंद्रा ने 300 का नाम जो है वो चेंज करके बलेरो नियो है वो कर दिया। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और बात करने वाले हैं आज हम बोलेरो नियो के बारे में। अगर आप इस बोलेरो नियो की बात करें, महिंद्रा की एक प्रॉपर सब 4 मीटर में आने वाली आपकी एक SUV, और फ्रंट लुक बस आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल आपको जो है TUV जैसा ही यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप इसके ये फ्रंट ग्रिल की बात करेंगे तो सेंटर में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा एक महिंद्रा का लोगो, और ये प्रॉपर जो आप देख सकते हैं कि पूरी इसकी फ्रंट ग्रिल पर ये जो क्रोम की गार्निश है, ये गाड़ी को बड़ा एक डिसेंट सा खूबसूरत सा जो लुक है वो यहाँ पर ये क्रोम का जो वर्क है इसको दे देता है। अगर हम इसके इस हेडलैम्प पोर्शन की बात करें तो हेडलैम्प पोर्शन में ये आपको सारी जो लाइट्स है, हेडलैम्प आपको यहाँ पर हाइलोजन ही ऑफर किए गए हैं, टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है, और कॉर्नरिंग लैंप जो है वो भी आपको यहीं पर ऑफर किए गए हैं। और ये जो पोर्शन है यहाँ पर आपको प्लेसमेंट दी गई है गाड़ी में DRLs की। फॉग लैंप पर अगर आप फोकस करें तो ये पोजीशनिंग है फॉग लैंप की, और ये भी आपको यहाँ पर जो है वो हाइलोजन ही मिलने वाले हैं। ये बम्पर गार्ड जो है एक्चुअली एक एसेसरीज है, ये आपको कंपनी ऑफर नहीं करती, लेकिन इसको लगने के बाद से, जो मैं आपको बताऊं मेरा पर्सनल ओपिनियन, लगने के बाद ये गाड़ी को जो थोड़ा और मैसिव सा बल्कि सा जो लुक है वो मिल जाता है। और यहाँ पर नीचे जो है आपको वो नीचे जो ग्रिल है वो यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है वो ब्लैक मिलने वाली है। इस पर आपको कोई भी क्रोम या फिर किसी प्रकार की कोई भी टूल टॉनिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर हम इस बोलेरो नियो की इस साइड प्रोफाइल की आप बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पर 15 इंचेस के जो है वो अलॉय व्हील यहाँ पर आपको गाड़ी के साथ ऑफर किए जाते हैं। और ये प्रॉपर जो इसकी ब्लैक ग्लाइडिंग है ये प्रॉपर आप देख सकते हैं गाड़ी के फ्रंट से लेकर रेयर तक आपको सेम ऐसे ही मिलने वाली है। और ये जो ग्लाइडिंग है ये भी आपको बोलेरो नियो में जो ऑफर है वो की गई है। ये TUV में नहीं आती थी तो थोड़ा सा महिंद्रा ने ये चेंज किया है बस। और टर्न इंडिकेटर आपको ये फ्रंट फेंडर्स पर ही मिलेगा, ORVM पर आपको कोई भी टर्न इंडिकेटर जो है वो नहीं मिलने वाला। और इसके जो ORVMs है ये ORVM भी गाड़ी के इलेक्ट्रिकली आप फोल्डेबल नहीं मिलेंगे, ये भी आपको फोल्ड करने पड़ेंगे मैनुअली। अगर आप यहाँ पर देखें तो फ्रंट डोर से लेकर गाड़ी के बिल्कुल रियर तक ये स्टिकर का जो वर्क है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, जो इसको काफी अच्छा सा जो कॉम्बिनेशन है एक डैशिंग का वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रॉपर आपको फ्रंट से लेकर रियर तक जो है वो ब्लैक और टोन में हल्का सा इसको जो है रगड़ सा फील जो है वो दिया गया है। आपको यही ब्लैक कलर में जो है गाड़ी में डोर हैंडल्स जो है वो भी यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। कोई कीलेस एंट्री का आपको फीचर यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें इन फुट स्टेप्स की तो ये फुट स्टेप्स आपको यहाँ पर ऑफर किए हैं गाड़ी में इजिली एंट्रेंस के लिए। और गाड़ी आपको देखने में लगती है बहुत बल्की सी, लेकिन ये बोलेरो नियो का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सिर्फ 180 mm है, लेकिन इसकी जो बॉडी की शेप है, जो स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, वो इसको काफी जो है प्रैक्टिकल यूज जैसा बना देता है। मुफल्स जो है इसमें ऑफर नहीं किए गए। अगर आप बोलेरो नियो की रेयर प्रोफाइल की बात करेंगे तो गाड़ी को प्रॉपर एक TUV जैसा बॉक्सी सा जो लुक है वो यहाँ पर दिया गया है। और रेयर में जो इसकी टेल लाइट्स है ये भी सेम आपकी मैच करती है TUV 300 से, कुछ भी चेंज आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको नीचे जो बैजिंग है वो दे दी गई N10 में, TUV में आपको D10 मिल जाती थी। और रेयर बम्पर पर आपको यहाँ पर प्लेसमेंट दी गई है रिफ्लेक्टर की, और 4 जो है वो पार्किंग सेंसर आपको इसमें ऑफर कर दिए जाते हैं। स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको जो है वो रेयर में डिफॉगर की प्लेसमेंट और काफी लंबा सा यहाँ पर आपको जो है वो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपको रेयर में वाइपर की प्लेसमेंट मिल गई, और यहीं पर आपको प्लेसमेंट दी गई है वॉशर की। बोलेरो नियो की जो बैजिंग है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और इसी तरीके से ये जो आपका हैंडल है आप इसी से ऑपरेट कर सकते हैं अपने सिटिंग एरिया को या बूट एरिया को। और इसका जो एंट्रेंस के लिए है ये फुट स्टेप आपको यहाँ पर दे दिया गया।
ये गाड़ी आपको बलैरो नियो मिलती है 1.5 लीटर 3 सिलेंडर डीजल इंजन के साथ, और ये रियर व्हील ड्राइव है। और अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग में गाड़ी में आपको फ्रंट जो दोनों व्हील्स हैं उसमें आपको डिस्क ब्रेक, और रियर में आपको जो है वो नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो है वो ऑफर की जाती है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि इंटीरियर में क्या महिंद्रा ने इसमें कुछ आपको नया दिया है, या सेम जो है आपको प्रॉपर जो है TUV 300 वाला ही जो लुक है वो इंटीरियर में भी दिया गया है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप इसकी फ्यूल लेट देखेंगे तो ये फ्यूल लेट कोई तो छोटी मोटी नहीं है, प्रॉपर एक विंडो साइज की आप कह सकते हैं कि फ्यूल लेट आपको महिंद्रा ने यहाँ पर ऑफर किए। देख रहे हैं आप कितनी बड़ी जो है यहाँ पर आपको फ्यूल लेट की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर आपको लोकेट की गई है। तो चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की ओर और बात करते हैं इसके कुछ इंटीरियर्स के बारे में। आप जब बोलेरो नियो के इंटीरियर में एंटर होंगे तो सबसे पहले अगर आप इस डोर पर देखेंगे आपको कोई भी ORVM के कंट्रोल्स या फिर पावर विंडो कंट्रोल आपको इस डोर पर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सारा मटेरियल यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, कहीं पर आपको कोई भी सॉफ्ट टच जो है वो नहीं दिया गया। यहाँ नीचे आपको दिया गया एक वाटर होल्डर और थोड़ा सा ये स्टोरेज स्पेस, यहाँ पर एक स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर दी गई है। ये आपको डोर को अनलॉक करने के लिए आपको जो है यहाँ पर आपको ये हैंडल दे दिया गया, और ये जो डोर हैंडल है ये सिल्वर टोन जो है ना इसकी, ये काफी अच्छी लगती है, काफी प्रीमियम सा इसको जो लुक है वो देती है। और दरवाजा पकड़ने में भी आपको यहाँ से काफी एक अच्छा सा SUV वाला एक हैवी जो लुक होता है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको कंट्रोल दिए गए हैं ORVM को इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करने के लिए, आप इस जॉयस्टिक का यूज करके ORVM को कंट्रोल कर सकते हैं। हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पर दे दिया गया। इको में अगर आपको अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो इको मोड में चलेगी, डीफॉगर के स्विच यहाँ पर दे दिया गया आपको। और अगर गाड़ी की हम फ्यूल लिड की बात करें तो फ्यूल लिड को भी ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे जो है यहाँ पर आपको लीवर दिया गया है, आप यहाँ से अपनी फ्यूल लिड को ऑपरेट कर सकते हैं। सीट अगर हम बात करें, ड्राइवर साइड जो सीट है ये आपको हाइट एडजस्टेबल भी यहाँ पर मिल जाती है, जो काफी अच्छी चीज है। अगर आप बोलेरो नियो के ये ओवरऑल डैशबोर्ड की बात करेंगे तो ये बिल्कुल सेम आपको TUV 300 वाला ही मिलने वाला है, कुछ भी आपको इसमें चेंज आपको महिंद्रा की ओर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेम वही आपको डुअल टोन में ब्लैक और ये आपको फिनिशिंग में देखने के लिए मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं ये जो सेंटर कंसोल है ये भी बिल्कुल सेम आपको जो जैसे TUV में दिया जाता था सेम आपको वही मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें सेंटर कंसोल की, आप देख सकते हैं कि ये आपको साइड में यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग काफी अच्छी इसमें दी गई है। ये पूरी जो इसकी आउटलाइन है ये सब आपको यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक कलर से मिल जाएगी। AC वेंट में भी यहाँ पर प्रॉपर जो टचअप है वो सिल्वर जो फिनिश है उसमें दिया गया है। आप अगर स्क्रीन की बात करें इंफोटेनमेंट तो सेम ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलता था TUV 300 में, और सेम वैसा ही आपको यहाँ पर ये डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा बोलेरो नियो में। यहाँ आपको दे दी गई है प्लेसमेंट हैजार्ड लाइट्स की, और ये आपको नीचे दिए गए हैं AC के कुछ कंट्रोल्स। अगर आप इससे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको प्लेसमेंट दी गई है कि 12 वोल्ट के पावर सॉकेट की, USB जो पोर्ट है वो भी आपको यहाँ पर एक ऑफर कर दिया गया, और ऑक्स के लिए भी आपको जो पोर्ट है वो यहाँ पर मिल जाता है। सेंटर में ये जो एरिया है ये गियर लीवर के बिल्कुल बराबर में जो एरिया है इसको भी प्रॉपर जो है वो ग्लॉसी ब्लैक से फिनिशिंग दी गई है, और ये थोड़ा सा आपके लिए स्टोरेज स्पेस जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, और कप होल्डर्स का जो स्पेस है वो भी आपको यहाँ पर नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। पार्किंग ब्रेक की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको मिल गई, और यहाँ पर आपको दिए हैं चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल। आपको ड्राइवर साइड पावर विंडो के कंट्रोल ना देकर ये सेंटर में दिए गए हैं, जैसे पहले जो ओल्ड बोलेरो थी उसमें भी इसी जगह पर आते थे, और TUV 300 में भी लगभग आपको यहीं पर जो कंट्रोल्स हैं वो मिलते थे। अगर इंटीरियर में आप देखें तो ग्लोव बॉक्स जो स्टोरेज है इसका वो लगभग कितना स्पेस आपको डिसेंट सा अमाउंट जो है ठीक ठाक सा यहाँ पर मिल जाता है, आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि आप अपना सामान नहीं रख पाएंगे, इजीली ये आपके यूज में आ जाएगा। और अगर हम बात करें इसके स्टेयरिंग व्हील की तो स्टेयरिंग व्हील के ऊपर भी आपको कोई भी सॉफ्ट टच या फिर लेदर का जो वर्क है या लेदर फिनिशिंग है वो नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी ग्रिपिंग जो है ना वो काफी अच्छी सी आपको जो है ग्रिप यहाँ पर मिल जाती है।
सेंटर में आपको यहाँ पर मिलेगा महिंद्रा का एक बड़ा स्मार्ट सा लोगो, एयरबैग की बैजिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो कंट्रोल्स है, ये कंट्रोल्स दिए गए हैं आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। कॉल पिकअप एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस साइड अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे क्रूज के कुछ कंट्रोल्स। आप इस स्टेयरिंग को एडजस्ट भी कर सकते हैं, टिल्ट एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो भी आपको बोलेरो नियो में मिल जाता है, लेकिन टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको इसमें देखने के लिए अभी नहीं मिलता। और ये कंट्रोल्स दिए गए हैं आपके वाइपर को कंट्रोल करने के लिए। और इस साइड अगर आप आ जाएंगे तो हेडलैम्प्स और आपके टर्न इंडिकेटर के जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पुश स्टार्ट बटन आपको इसमें नहीं मिलेगा, नॉर्मल जैसे महिंद्रा की आपको पता ही है ये क्लासिक सीजे की फ्लिप की, और यही आपको गाड़ी के साथ ऑफर की जाती है, और इसी का ही आपको जो है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए यूज करना होगा। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, आप ये देख रहे हैं महिंद्रा का पहले तो इंफोटेनमेंट ये जो सिस्टम है इस स्क्रीन के ऊपर ये लोगो आता है, और काफी अच्छा सा जो एनिमेशन है वो आपको इस डिस्प्ले में देखने के लिए मिल जाता है। देखिए महिंद्रा राइस का काफी अच्छा सा जो यहाँ पर एनिमेशन है वो आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन क्लस्टर की, तो आपको आरपीएम और स्पीडोमीटर दोनों ही जो है वो एनालॉग मिलते हैं, डिजिटल आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किए जाते। और सेंटर में जो एमआईडी है ये आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन जितनी भी आपको है वो आपको लगभग यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, और इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। स्टिक यहाँ पर आपको ऑफर दी गई है, ये आपको स्टेयरिंग पर कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा एमआईडी के लिए, आपको इस स्टिक से जो है यही यहाँ से आपको ही कंट्रोल इसको करना पड़ेगा। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो आपकी ट्रिप की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, फ्यूल इकोनॉमी आपको गाड़ी क्या दे रही है, यहाँ पर आपको डिजिटल स्पीडोमीटर ऑफर किया गया है, अगर आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो डिजिटली आपको यहाँ पर स्पीड जो है वो इंडिकेट कर देगा। यहाँ आपको बैजिंग देखने के लिए मिल रही होगी, एक इंडिकेशन दे रहा है इको की, और इसका कंट्रोल अभी मैंने आपको दिखाया था नीचे। अगर आप यहाँ से इसको ऑफ करेंगे तो अभी आपकी जो गाड़ी है वो इको मोड से हट चुकी है। अच्छी चीज पता है क्या है, जब आप इस इको मोड को ऑन करते हैं, अभी आपको ऑन करके दिखाऊंगा, गाड़ी आपको वॉइस कमांड भी देती है। अभी देखिए आप, योर व्हीकल इज इन इको मोड, ये आपको इसने वॉइस कमांड भी दे दिया जैसे ही मैंने इको मोड दोबारा ऑन करा कि योर व्हीकल इज इन नाउ इन इको मोड। अच्छी चीज है जो। और एक चीज अगर आप यहाँ ऊपर फोकस करें तो आईआरबीएम भी आपको यहाँ पर कोई ऑटो डिमिंग वगैरह नहीं, नॉर्मल आपको आईआरबीएम जो है वो यहाँ पर आपको ऑफर कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको कैबिन लाइट्स जो है वो ऑफर की गई है, ये कैबिन लाइट्स आपको प्रॉपर हाइलोजन में है वही मिलेंगी, इसमें कोई आपको एलईडी लाइट का अभी ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ अगर आप बात करें तो वैनिटी मिरर जरूर आपको दिया गया है, लेकिन कोई वैनिटी लाइट जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस साइड आपको सिर्फ टिकट होल्डर जो है उसकी प्लेसमेंट दी गई है, और आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल जो है वो आपको ड्राइवर साइड में नहीं मिलेगा, और थर्ड रो में भी सिर्फ आपको एक ग्रैब हैंडल मिलेगा सेंटर में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी आपको जो ग्रैब हैंडल वो ऑफर किए जाते हैं। और ये अगर हम आर्मरेस्ट की बात करें तो को ड्राइवर साइड के लिए भी और ड्राइवर साइड के लिए भी आपको दोनों साइड के लिए सेपरेट सेपरेट अपना जो है आर्मरेस्ट यहाँ पर ऑफर किया गया है, जो काफी अच्छी चीज है। जैसे कैप्टन सीट टाइप का जो है आपको यहाँ पर पोजिशनिंग दे दी गई है। कुशनिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी अभी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से गाड़ी में बैठा हूं, तो मुझे ऐसी कोई भी गाड़ी में अभी सिटिंग का जो पोस्चर है उसमें मेरे को अभी ऐसी कोई भी दिक्कत जो मैं कह सकता हूं कि नहीं लग रही। अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे ठीक ठाक सा यहां पर मिल गया, लेग रूम भी मेरे को आगे काफी अच्छा है, देखो मेरा नी यहाँ पर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं टकराऊं या मैं डिस्टर्ब हो, तो वो चीज भी आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो इसके ओआरबीएम्स है, ओआरबीएम्स काफी बिग साइज के हैं, काफी अच्छा व्यू आपको बैक साइड का देने वाले हैं नो डाउट, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट तो कर सकते हो, यहाँ से आपको जॉयस्टिक दी गई है, कंट्रोल दिया गया है, लेकिन इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल का ओआरबीएम का ऑप्शन अभी आपके पास इस आपको वेरिएंट में बलैरो न्यू में देखने के लिए नहीं मिलने वाला। तो आप चलते हैं हम एक बार गाड़ी की सेकेंड रो में, और उसके बाद थर्ड रो की भी बात करेंगे। पहले देखते हैं कि सेकेंड रो में महिंद्रा ने कुछ चेंजेस किए हैं या सेम 300 ही आपको ऑफर की गई है। तो अभी आ गया हूं मैं ये बलैरो नियो की सेकेंड रो में फ्रेंड्स, और अगर मैं अपने यहाँ पर सबसे पहले सिटिंग कंफर्ट की बात करूं तो अंडर थाई सपोर्ट तो जो है मेरे को काफी अच्छा सा यहाँ पर मिल गया,
मेरा रिक्लाइन पोजीशन भी ठीक ठाक सा मुझे यहाँ पर मिल गया। लेकिन अगर मैं लेग रूम की बात करूँ तो ये सीट मेरी ही ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से अभी एडजस्ट कर रखी थी मैंने, तो लेग रूम मतलब है ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है। हेडरूम तो गाड़ी की हाइट अच्छी खासी है, तो हेडरूम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस ये है कि अगर मैं अपने ये लेग्स को अगर मैं आगे की ओर अगर करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो नीचे का पोर्शन है ये मेरी लेग्स यहाँ पर आप देख सकते हो ये टच हो रही है यहाँ पर। ऊपर यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जगह पर अगर मैं सोचूं कि अपने पैर सीधे कर लूं लॉन्ग जर्नी में तो थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को जो है इसमें कॉम्प्रोमाइज करना है। और अगर आप इस डोर की बात करेंगे तो डोर पर यहाँ पर आपको पावर विंडो का कंट्रोलिंग दे दिया गया, सेम वैसे ही आपको बढ़िया सा डोर हैंड है। और यहाँ पर आपको नीचे स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो, और यहाँ पर आपको जो है एक वाटर होल्डर थोड़ा स्टोरेज स्पेस भी आपको मिल जाएगी। अगर हम आमरेस की बात करें तो आमरेस आपको सेकंड रो में ऑफर बायरो न्यू में किया जाता है, लेकिन इस आमरेस में आपको कोई भी कप होल्डर जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर आप इस पोर्शन की बात करें तो अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई ज्यादा बड़ा टनल टाइप का यहाँ पर नहीं है। अगर आप तीन बंदे इसमें बैठ रहे हैं तो सेंटर में भी अगर जो भी पर्सन सेंटर में भी बैठेगा तो बहुत इजीली वो यहाँ पर बैठ सकता है। ये टनल जो बीच में होती है बहुत सी गाड़ियों में वो आपको इसमें बहुत रेयर बहुत छोटी सी है, तो वो आपको कहीं से भी डिस्टर्ब करने वाली नहीं है। कप होल्डर आपको अभी मैंने दिखाया था, ये बिल्कुल फ्लैट एरिया है यहाँ पर, और ये आपको कप होल्डर की प्लेसमेंट। लेकिन रेयर सीट के लिए कोई भी आपको चार्जिंग पोर्ट या फिर कोई भी यूएसबी का सॉकेट आपको जो यहाँ पर वो प्रोवाइड नहीं करवाया गया है, तो काफी ठीक है। और अगर हम तीन बंदे बैठने की बात करें तो बहुत आराम से तीन लोग इसमें बैठ सकते हैं, अच्छे खासे हेल्दी भी, तो बैठने में आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। और रियर में आपको इसमें कोई सेकंड रो में एसी का जो वेंट है वो भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस जो इसका एसी के वेंट है उसकी प्लेसमेंट आगे ही दी गई है। अब चलते हैं गाड़ी की थर्ड रो में और थोड़ा सा वहां पर भी देख लेते हैं कि वहां आपको बोलेरो में कुछ चेंज मिलने वाला है क्या। गाइस की मैं सबसे लास्ट रो में जाने की बात करूं तो आपको इस टाइप की जो सीट्स है एक ही पर्सन यहां पर कंफर्टेबली इस सीट में बैठ सकता है। दोनों साइड यहां पर आपको जो सिटिंग पोजीशन है वो दी गई है, और एंटर करने के लिए आपको यहां पर एक हैंडल जो है वो प्रोवाइड किया गया, ये आपको फुट स्टेप यहां पर प्रोवाइड किया गया है, और आराम से उसके बाद जो है वो बोलेरो में बैठ सकते हैं। अगर मैं सिटिंग की बात करूँ तो बच्चे को यहाँ पर दो बहुत आराम से बैठ जाएंगे। अगर हट्टे कट्टे थोड़े से हैं मेरी तरह मोटे ताजे तो हो सकता है कि उनकी जो लेग्स हैं वो आपस में टकराएंगी, लेकिन उसमें आप अपना देसी जुगाड़ कर सकते हो, एक लाख इधर बीच में डालो और दूसरे की इधर डालो तो बैठ जाओगे आराम से, कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात आपको नहीं आने वाली। हेडरूम ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये फूकेगा सर में जब आपकी गाड़ी कूदेगी, तो थोड़ा सा आपको इस चीज का आपको हेडरूम जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा मिलेगा। ये आपको यहाँ पर जो लाइट है कैबिन लाइट ये आपको यहाँ पर ऑफर कर दी गई। अगर मैं यहाँ पर ग्लास एरिया की बात करूँ तो ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ से जो है इसमें एरर ग्लास एरिया आप अगर देखें तो ये आप यहाँ से ऊपर हल्का फुल्का कर सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छी चीज है, आप इसको यूज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बूट स्पेस भी आपका यही है, और अगर आप इन सीट्स को बूट स्पेस की तरह यूज करना चाहें तो बहुत सिंपल है, आप बस इसको ऊपर करिए और ये आपको जो है यहाँ पर क्लिप भी दिया गया है, आप इससे अपनी सीट को जो है पीछे वाइंडर भी कर सकते हैं इजीली। इसको आप अगर फोल्ड कर देंगे तो ये प्रॉपर जो बूट एरिया है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और ये आपको जो प्लेसमेंट मिल जाएगी जैसे 300 में TUV में थी सेम वैसे ही आपको जो टूल किट वगैरह है वो यहाँ पर आपको ऑफर कर दी जाती है। स्पेयर व्हील आप सबको पता है, इसमें कुछ बताने वाला ऐसा है नहीं कि स्पेयर व्हील आपको मिलेगा बोलेरो न्यू में। ये SUV वाला जो प्रॉपर इसका लुक है वो यहाँ से आपको इसके रेयर में ही मिल जाएगा। ये बोलेरो की प्रॉपर जो ब्रांडिंग है वो महिंद्रा का आपको यहाँ पर लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, तो जो ओवरऑल है ये भी इसको काफी अच्छा सा जो लुक है वो यहाँ पर आपको काफी देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप अगर किसी और गाड़ी का पूरा रिव्यू देखना चाहते हैं, फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे को बताना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
कभी भी आप अगर अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का हमेशा यूज करें, अपनी सेफ्टी को सबसे पहले प्रायोरिटी देने की आदत डालें। धन्यवाद।